देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में डेली केसेस, पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव मरीजों से जुड़े आंकड़े कुछ राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट B.1.617 दुनिया के 44 देशों में दस्तक दे चुका है। ये वेरिएंट सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट 44 देशों में डिटेक्ट हो चुका है। ये सभी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 6 रीजन्स में स्थित हैं। भारत में पाया गया कोरोना का ये वेरिएंट बेहद खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में दूसरी लहर के बहुत तेजी से फैलने का कारण इसी वेरिएंट को माना जा रहा है। आइए समझते हैं कि क्यों भारतीय वेरिएंट मौजूदा समय में चिंता का सबब बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। ओरिजिनल वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक ये वेरिएंट वायरस के ओरिजिनल वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा संक्रामक है और ज्यादा आसानी से फैल रहा है। कोरोना पर काम कर रही WHO की वैज्ञानिक मारिया वान केरखोव ने ये जानकारी दी है। डेटा बताता है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट कोरोना के ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले 2.6 गुना ज्यादा संक्रामक है। इतना ही नहीं, UK वेरिएंट के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये 60% ज्यादा संक्रामक है। भारतीय वेरिएंट कम से कम 3 सब वेरिएंट्स में म्यूटेट हो चुका है। ये 3 सब वेरिएंट हैं B.1.617.1, .2 और .3। एंटीबॉडी बनने से रोकता है ये वेरिएंट। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों की नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज भारतीय वेरिएंट B.1.617 को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं और वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज को बनने से रोकते हैं। एंटीबॉडी की लेयर तोड़ने की क्षमता। COVID-19 के भारतीय वेरिएंट B.1.617 के पास वैक्सीन से डेवलप की हुई एंटीबॉडी से भी बच निकलने की क्षमता है। कोरोना का ये वेरिएंट वैक्सीन की वजह से तैयार की गई सुरक्षा की लेयर से बच निकलने की क्षमता रखता है। वैक्सीनेशन के बावजूद कुछ लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि ये संक्रमण काफी हल्का होगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, यही सुरक्षित रहने का सबसे कारगर उपाय है। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।